डांगरा शस्त्र के जवाब में गिरीपार, अनुसूचित जाति समिति ने संविधान की प्रति के साथ की पत्रकार वार्ता। एसटी स्टेटस के मुद्दे पर जनता से की शांति बनाए रखने व चंद नेताओं के बहकावे में न आने की अपील। ट्रांसगिरी एरिया की 150 के करीब पंचायतों के दलितों के एट्रोसिटी एक्ट व पंचायत तथा विधानसभा चुनाव में आरक्षण जैसे हक नहीं छीनने देगी समिति। जनजातीय दर्जे का समर्थन कर रहे मुख्यमंत्री व भाजपा अध्यक्ष से की अनुसूचित जाति के अधिकार बरकरार रखने संबंधी नोटिफिकेशन जारी करने की मांग। महाकुमली तथा डांगरा शस्त्र दिखाने को बताया दलितों को धमकाने वाली रूढ़िवादी मानसिकता। हाटी समिति पदाधिकारियों द्वारा कल राजधानी शिमला में सिरमौरी शस्त्र डांगरा के साथ की गई थी मीडिया कर्मियों से बात। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सिरमौर प्रवास के बाद जिला में लगातार बढ़ रहा है जातीय ध्रुवीकरण व तनाव। हाटी समिति द्वारा कल हिमाचल की राजधानी शिमला में पारंपरिक सिरमौरी शस्त्र डांगरा के साथ पत्रकार वार्ता व वीडियो रिलीज किए जाने के बाद आज गिरिपार अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति द्वारा भारत के संविधान की प्रति के साथ पत्रकारों से बातचीत की गई। मीडिया से बात करते हुए अनुसूचित जाति अधिकार समिति अध्यक्ष एडवोकेट अनिल मंगेट व अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि हाटी समिति द्वारा अपनी सभी यूनिट्स को ट्रेडिशनल शार्प वेपन डांगरा उपलब्ध करवाए जाने के पीछे दरअसल लोक संस्कृति से ज्यादा दलितों अथवा कमजोर तबके को धमकाने की मानसिकता जाहिर होती है और वह गिरिपार क्षेत्र की 3 लाख के करीब आबादी से चंद लोगों अथवा नेताओं के बहकावे में आकर आपसी सौहार्द खराब न करने की भी अपील कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गिरिपार के दलित अथवा अनुसूचित जाति अधिकार समिति जिसकी लाठी उसकी भैंस जैसी परंपराओं को विरोध करते हुए भारत के संविधान को मानती है, इसलिए वह संविधान के साथ मीडिया के समक्ष आए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ अरसे से बेशक हाटी समिति द्वारा आयोजित की जा रही महाकुमलियों में प्रदेश व केंद्र में सत्तासीन भाजपा सरकार के बड़े बड़े नेता व कांग्रेस के विधायक पहुंच रहे हैं, मगर दरअसल रियासत काल से ही सिरमौर में आयोजित होने वाली खाप पंचायतों जैसी इन बैठकों में स्वर्ण अथवा राजपूत ब्राह्मणों द्वारा ही डिसीजन लिए जाते रहे हैं और दलितों पर अक्सर बकरे की धाम दिए जाने जैसे डांड अथवा दांडीन खुमड़ियों में लगने के कई उदाहरण सामने आए हैं। गिरिपार अनुसूचित जाति समिति के अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पिछले कुछ अरसे से हाटी समिति नेतृत्व अथवा गिरिपार के अपने करीबी से इस कदर प्रभावित है कि क्षेत्र को एसटी स्टेटस मिलने पर दलितों के हकों को लेकर वही लाइन दोहरा रहे हैं जो हाटी समिति का नेतृत्व कह रहा है। उन्होंने कहा कि वह मुख्यमंत्री व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की चुनावी साल में किसी भी मौखिक बात का भरोसा नहीं करेंगे और यदि हिमाचल अथवा भारत सरकार जनजातीय दर्जा मिलने पर एट्रोसिटी एक्ट निष्क्रिय न होने व पंचायती राज संस्थानों व विधानसभा चुनाव में एससी वर्ग का आरक्षण समाप्त न होने संबंधी अधिसूचना जारी करती है तो उन्हें इससे कोई ऐतराज नहीं होगा। अनुसूचित जाति समिति पदाधिकारियों ने हिमाचल के किन्नौर व लाहौल आदि जनजातीय क्षेत्रों तथा अन्य हिस्सों में विकास के लिए मिल रहे बजट संबंधी तथ्य पेश करते हुए कहा कि वर्तमान में एससी कंपोनेंट तथा बैकवर्ड पंचायतों को शेड्यूल ट्राइब एरिया से ज्यादा बजट मिल रहा है। कुछ अरसा पहले खास कनेक्ट समिति द्वारा की गई उन्हें ओबीसी में शामिल करने संबंधी डिमांड के लेटर की प्रति जारी करते हुए उन्होंने कहा कि दरअसल सारी लड़ाई किसी न किसी तरह आरक्षण प्राप्त करने की है। क्षेत्र को जनजातीय दर्जा मिलने की सूरत में यहां ओबीसी का आरक्षण खत्म होने तथा राजपूत व ब्राह्मण जैसे सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को मिल रहे 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण को समाप्त होने की बात भी उन्होंने कही। गौरतलब है कि गत 20 अगस्त को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा सिरमौर प्रवास के दौरान गिरिपार को जल्द एसटी स्टेटस दिए जाने संबंधी वादा किए जाने के बाद यहां जमकर जातीय ध्रुवीकरण हो रहा है और पोलराइजेशन के साथ साथ इलाके में तनाव की स्थिति भी बनती जा रही है। भाजपा अध्यक्ष के विजिट के बाद 21 को जहां रेणुकाजी में हाटी समिति द्वारा महाकुमली की गई, वहीं 22 को अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति द्वारा किंगरी पार्क संगड़ाह में महारैली की गई, जबकि 23 को राजगढ़ के बधाउधार में क्षत्रिय संगठन अथवा देवभूमि पार्टी द्वारा स्वर्ण महासम्मेलन का आयोजन किया गया। आमतौर पर प्रदेश व जिला सिरमौर के सबसे शांत इलाकों के रूप में जाने जाने वाले गिरिपार में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के विजिट के बाद जमकर कास्ट बेस्ड पोलराइजेशन हो रहा है और सोशल मीडिया पर अवर्ण व सवर्ण दोनों तबके के लोग एक दूसरे को तीखे कमेंट कर प्रत्यक्ष व परोक्ष धमकियां भी दे रहे हैं। हाटी समिति पदाधिकारी रमेश सिंगटा, प्रदीप सिंगटा व समिति अध्यक्ष डॉक्टर अमित चंद कमल आदि द्वारा कल शिमला यूनिट के लिए डांगरा रिलीज किए जाने के साथ साथ यह भी संदेश दिया गया था कि यह पारंपरिक सिरमौरी शस्त्र गिरिपार की लोक संस्कृति का प्रतीक है और सभी इकाइयों को डांगरे उपलब्ध करवाए जाएंगे। बहरहाल जनजातीय दर्जे के मुद्दे पर गिरिपार में एक तरफ जहां सवर्ण व दलितों द्वारा अलग अलग शक्ति प्रदर्शन किए जा रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री शुक्रवार को रेणुकाजी तथा शिलाई में आयोजित अपनी सरकारी जनसभाओं में यह स्पष्ट कर चुके हैं कि जल्द गिरिपार वासियों को इस बारे दिल्ली से गुड न्यूज मिलने वाली है। उक्त मामले को लेकर अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति द्वारा प्रदेश उच्च न्यायालय में सिविल राइट पिटीशन भी दायर की गई है, जिस पर अगली सुनवाई 20 सितंबर को होनी है। देखिए, हम लोग भारतीय संविधान को मानने वाले लोग हैं और संवैधानिक दायरे में रह करके संवैधानिक तौर तरीके के हिसाब से काम करते हैं। हम जिस हिसाब से उन्होंने डांगरों का प्रदर्शन किया, तो वो जो डांगरा है वो एक मार काट का साधन है। हम नहीं चाहते कि एरिया में कोई ऐसी मार काट हो, हम चाहते कि शांति व्यवस्था बनी रहे।
भाईचारा बना रहे, शांति व्यवस्था बनी रहे, प्रेम मोहब्बत आपस में लोगों को। अगर आप घातक हथियारों को लेकर के लोगों को डराने धमकाने का काम करेंगे तो किस तरह की शांति व्यवस्था वहाँ बनी रहेगी। हमें जातिवादी खुमली प्रथा से कोई भी लेना देना नहीं है। इसके साथ साथ हमारी जो संस्कृति है वो लोकतंत्रीकरण की संस्कृति है, ना कि जातिवादी संस्कृति। लोकतंत्रीकरण की संस्कृति जो हमारी है उसके तहत क्या होता है, हम चुनाव भी लड़ सकते हैं और हम अपने प्रत्याशी भी खड़े कर सकते हैं। लेकिन जब हम इतिहास में देखते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला जो एक जो चलता था कल्चर के अंदर, मतलब लोगों को डराया जाता था, खुमली में भी डराया जाता था डांगरा दिखा के, आज भी उसी संस्कृति को बचाने की ये बात कर रहे हैं। लेकिन हम लोग गिरिपार के अनुसूचित जाति के लोग हैं, शांतिप्रिय लोग हैं और संवैधानिक मान्यताओं में हम विश्वास रखते हैं। यही हम यहाँ पे बताना चाहते हैं संविधान के द्वारा।